तो और भाई लोग कैसे हो, वेलकम टू द माय चैनल। स्वागत है आपका आज के हमारे इस तड़कते भड़कते पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। तो चलो फिर देर ना करते हुए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। और हाँ भाई लोग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके इस चैनल पे रोज ऐसे ही ब्रांड न्यू गेम प्ले लेके आता रहता हूँ। तो कर दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है। तो चलो यार भाई, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार भाई, आज के इस गेम प्ले में हमारे होते हैं 21+ किल्स और आज हम फिर उतरते हैं इस टेम्पल वाली जगह पे। तो चलो फिर आगे देखो। Enemy spotted. For real this time. यहाँ मैं सबसे पहले इस बेटी चोद बंदे को नॉक करता हूँ, क्योंकि इस बंदे ने अभी जस्ट मेरे टीममेट को पेल के उसको लॉबी पहुँचा दिया। तो करना क्या था, मैंने भी इनको पेल के अपने टीममेट का बदला ले लिया। तभी यहाँ अंदर से एक और बंदे के फुटस्टेप आते हैं। लेकिन इस बंदे को मेरा टीममेट पेल देता है और इसी के साथ इस टेंपल पे सारे बंदे खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी सामने ओपन में मुझे एक बंदा दिखता है। तो फाइनली मैं यहाँ इसको पूरा नॉक और फिनिश कर देता हूँ। लेकिन सामने के घरों पे इसके अभी और भी टीममेट्स होते हैं। तो चलो देखो फिर उनको कैसे पेलते हैं। यहाँ इस बंदे को भरने के बाद ही तभी मुझे दिखता है कि सामने से एक यूए जा रही है। Follow me. तो फाइनली यार ये बंदा अकेला ही होता है तो हम इसको आसानी से भर देते हैं। इसको भरने के बाद मैं फिर से टेंपल के हाई ग्राउंड पे आता हूँ और मेरे को महसूस होता है कि सामने एक सांप का बच्चा लेटा पड़ा है। और यहाँ मैं स्कोप खोल के देखता हूँ तो हाँ, मैं सही होता हूँ। मतलब देख रहे हो आप लोग, मैच को शुरू हुए ढंग से यहाँ अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे और यहाँ इन सांपों के कारनामे चालू हो जाते हैं। माना कि बारिश का मौसम है, लेकिन ऐसे ओपन में सांप बनेंगे तो आपकी गांड भी मारी जा सकती है। लेकिन कोई ना यार, ये लोग नाग बने या नागिन, हमें उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ अपनी गाड़ी उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे बढ़ने पे हम पहुँचते हैं पोचिंग की और हमें रास्ते में दिखता है एक बॉट। यहाँ गाड़ी से उतर के जैसे हम इसको नॉक करते हैं तभी हमारे ऊपर एक रियल बंदे का फायर आता है। तो आगे देखो फिर इन भैया को कैसे लॉबी पहुँचाते हैं। फाइनली यार यहाँ इन भैया को भी हम लॉबी पहुँचा देते हैं और इसके साथ ही पोचिंकी भी खाली हो जाती है। तो करना क्या था, यहाँ हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ जोन मिलिट्री बेस के तरफ बना पड़ा था तो हमें यहाँ ब्रिज पार करनी थी और यहाँ ब्रिज पे तो पहले से ही कैंपिंग चल रही थी। तो चलो देखो फिर यहाँ पे क्या ही तबाही होने वाली है। यहाँ मैं एक बंदे को नॉक और फिनिश करता हूँ।
और यहाँ दूसरे बंदे को नॉक करते ही मैं आ न देखा था उनके ऊपर सीधे रश कर दूं। तो फाइनली यार यहाँ ये स्क्वाड भी खत्म, लेकिन दिक्कत अभी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि सामने अभी और बंदे बैठे पड़े हैं। और आगे देखो फिर उनके अलावा अभी और कितने बंदे आते हैं। यहाँ इस सामने बंदे को थोड़ा सा डैमेज करने के बाद मैं इसके ऊपर सीधे रश कर देता हूँ। तो फाइनली यार यहाँ ये बंदा भी पेला गया। यहाँ अम्बरीश से गाड़ी लेके निकलने ही वाले थे और तभी अचानक हमारे बगल से एक डासिया गुजरती है और इसकी हमें कोई खबर नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं इसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ। और यहाँ उसका पीछा करने के लिए गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तब तक सामने से हमारे ऊपर फायर आता है। यहाँ मैं ग्रेनेड फेंक के उस बंदे को नॉक करने की कोशिश करता हूँ और हर बार की तरह यहाँ मेरा सस्ता ग्रेनेड कहीं और ही फूटता है, लेकिन इस बंदे के चक्कर में तभी सामने से हमारे दो बंदे और गुजर जाते हैं और यही बंदे आगे चल के हमें दिक्कत देने वाले। फिलहाल ब्रिज से एक और बग्गी आती है और यहाँ हम इस बंदे को नहीं छोड़ने वाले। इस बग्गी वाले बंदे को भरने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से सबसे पहले आगे चलते हैं और यहाँ जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो डासिया वाला बंदा मेरे टीममेट को गाड़ी से नीचे उतार देता है। तो फाइनली यार यहाँ इस बंदे को जैसे ही मैं पेलता हूँ तब तक सामने एक बंदा होता है जो मेरे टीममेट को पूरा फिनिश करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ मैं हेल्प किए बिना अपने टीममेट को बचाने के लिए मैं उसके पास आता हूँ। मतलब देख रहे हो इस बेटी चोत बंदे को थोड़ा भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये भोसड़ी वाले बंदे गेम में करने क्या आते हैं आज तक हमको समझ ही नहीं आया। कोई ना यार हम अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं और जल्दी से हेल्थ वगैरह करने के बाद जोन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे यूएस का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो सामने ही हमारे एक व्हीकल पड़ी होती है उसको हम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं हमें बग्गी पे दो बंदे दिखते हैं और जैसे ही हम इनसे फाइट लेने के लिए अपनी गाड़ी रोकते हैं तभी इनका तीसरा बंदा आ जाता है। तो आगे देखो फिर क्या ही होता है। यहाँ सामने हम एक बंदे को थोड़ा डैमेज करते हैं लेकिन उसके पास AWM होती है तो वो बंदा भी मेरा यहाँ पूरा हेल्थ खा जाता है।
देखो फाइनली यार यहाँ हम इस AWM वाले बंदे को नॉक करते हैं और इनका एक बंदा इस सामने वाले स्मोक के पीछे होता है और यहाँ आगे आप देखो इस बेटीचोद बंदे के -99 IQ का गेम प्ले। यहाँ ये बंदा स्मोक करने के बाद क्राउच करके सामने से आता है और अपनी गांड मरवा के सीधे लॉबी चला जाता है। तो फाइनली यार यहाँ आखिरी में बचते हैं सिर्फ दो बंदे, तो चलो फिर आगे देखो। यहाँ हम सबसे पहले गाड़ी लेके जोन में जाते हैं। यहाँ इस बड़े से जोन में सिर्फ दो ही बंदे अलाइव थे तो हम इस पत्थर के पीछे थोड़ा सा होल्ड करते हैं। और तभी सामने हमें एक गिली सूट में सांप दिखता है। तो फाइनली यार इस नाग बाबा को भरने के बाद आखिरी में बचता है सिर्फ एक बंदा, तो चलो देखो फिर आगे इनको हम कैसे फेलते हैं। तो फाइनली यार इसी के साथ हमारा हो जाता है विनर मुर्गा डिनर। तो और भाई लोग ये रहा आज का गेम प्ले वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाइन आउट। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लन मेरा लन मेरा लंदन जाना छूट गया।